नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विशाल मुखर्जी है। मैं कैंसर सर्जन हूँ होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में। 20 जून वर्ल्ड किडनी कैंसर डे है। इस दिन में हम लोग इसलिए आज सिर्फ किडनी कैंसर के बारे में ही बताएंगे। तो किडनी कैंसर में क्या रिस्क फैक्टर्स पे हम लोग को ऐसा लगता है जो किडनी कैंसर होने की संभावना है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है तंबाकू। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं जो तंबाकू के साथ लंग कैंसर या कि मुंह के छाले या फिर मुंह का ट्यूमर, बट इन सब के अलावा तंबाकू किडनी कैंसर में एक बहुत बड़ा कारण बनता है। किसी भी तरह का ओरल या फिर स्मोकिंग टोबैको, कोई भी तरह का तंबाकू लेकिन किडनी कैंसर का कारण बन सकता है। इसमें छोड़ के जिस पेशेंटों में हाइपरटेंशन, बहुत दिन से लंबे दिन से प्रेशर की दवाइयाँ ले रही हो, तो उसमें भी किडनी कैंसर होने की संभावनाएँ रहती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट है वो है ओबिसिटी, अर्थात मोटापा। अर्थात अगर हमारे वेट हमारे हाइट के तुलना में ज़्यादा हो, हम ओबीस हो, तो हमें किडनी कैंसर होने की संभावनाएँ हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो हमें किडनी कैंसर हो सकते हैं। अब किडनी कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले होता है पेशाब में खून आना। तो अगर किसी भी यूजुअली किडनी कैंसर 50 या फिर 60 साल की उम्र के व्यक्तियों में दिखाई देता है, एवं पुरुषों में ये कैंसर महिलाओं की तुलना दुगुना दिखाई देता है, अर्थात पुरुषों में ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो अर्थात 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा अगर किसी उम्र के किसी भी पुरुष में अगर पेशाब में अगर एक बार भी ब्लड या फिर कॉन्टिन्यूस जिसको हम लोग कहते हैं हिमाचुलिया, अगर ऐसा दिखाई देता है, तो आप ज़रूर अपने किसी निकटवर्त सर्जन से मिलिए एवं उनकी सलाह लीजिए। दूसरे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है गांठ बांधना, अर्थात पेट के दाहिने या फिर बाएं जिस तरफ का हो, एक किडनी की जगह पे एक बड़ी सी गांठ या फिर एक पिंड का तैयार होना, तो वो भी लक्षण हो सकते हैं किडनी कैंसर के। किडनी कैंसर के इन लक्षणों के बाद मोस्टली किसी कैंसर के ट्रीटमेंट लेकिन सर्जरी है। सर्जरी अर्थात हमें जहाँ पे ट्यूमर है हम उस ट्यूमर को निकाल दे सकते हैं। हम सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, एवं अगर ऐसा देखा जाता है जो ट्यूमर किडनी के अंदर ही है और इस ट्यूमर को पूरी तरह निकाला जा सकता है, तो पूरी तरह निकालना अर्थात सर्जरी ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। दो तरह के सर्जरी इसमें किए जा सकते हैं। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है या फिर किडनी के कुछ ऐसे जगह पर वो ट्यूमर फैल चुका है जहाँ पर हम किडनी को बचा के वो नहीं निकाल सकते, तब हमें वो एंटायर उस साइड का किडनी निकालना पड़ता है और एक साइड के किडनी से व्यक्ति नॉर्मल अपनी जीवन यात्रा नॉर्मल जी सकता है। और अगर ऐसा देखा जाता है कि ट्यूमर अभी भी छोटा है या फिर किडनी के ऊपर या फिर नीचे है, तो फिर किडनी को रख के हम सिर्फ ट्यूमर और उसके साथ कुछ नॉर्मल टिश्यू को लेकर उस ट्यूमर को निकाल देते हैं। तो किडनी कैंसर में मोस्टली ऑपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट। कभी कभी किडनी कैंसर हमें ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर किडनी कैंसर बोन या फिर लंग्स या फिर शरीर के दूसरे भाग में ऑलरेडी स्प्रेड कर जाते हैं। इसे हम स्टेज 4 या फिर मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं, किडनी कैंसर। इस मेटास्टेटिक स्टेज 4 में मूल ट्रीटमेंट लेकिन इम्यूनोथेरेपी है, अर्थात एक तरह की दवाई जो हमारे खुद के इम्यून सिस्टम को और बढ़ावा देती है और वही कैंसर के अगेंस्ट लड़ाई करती है। तो इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी आर द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्टेज 4 और स्टेज 4 किडनी कैंसर। कभी कभी स्टेज 4 कैंसर में अगर ऐसा भी देखा जाता है जो किडनी छोड़कर अगर ट्यूमर कहीं एक जगह फैला है, तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है जो किडनी को अगर हम ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टोमी, अर्थात अगर हम ट्यूमर को निकाल देते हैं तो कभी कभी स्टेज 4 में भी सर्जरी की भूमिका है। तो आज वर्ल्ड किडनी कैंसर डे, जिसका थीम है लिसनिंग अर्थात शेयर्ड डिसीजन, जिनके घर परिवारों में किडनी कैंसर के पेशेंट हैं, आप उनसे जी रहे हैं, तो इस बार आप अपने इस बार का थीम है लिसनिंग, अर्थात हम उनकी समस्याओं को भी समझें एवं किडनी कैंसर के इस ट्रीटमेंट में हमारे साथ आपकी भी जो प्रॉब्लम है, आपकी भी जो सोच है, वो भी हम ध्यान रखेंगे। अर्थात ये जो शेयर्ड डिसीजन है, यही इस साल के किडनी कैंसर का थीम है।